सो गाइज वेलकम टू अनदर व्लॉग। हम दुकान पे पहुंच चुके हैं, मैं और मम्मी, लड़का अभी तक आया नहीं है। और आज हमारी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था, मैंने और मम्मी ने धक्के मारे हैं, बड़ी मुश्किल हालत में दुकान पे पहुंचे हैं। तो आइए फटाफट से दुकान खोलते हैं। और दोस्तों आज हमारी मार्केट में कम दुकानें खुली हुई हैं, आज के दिन लोग कम ही दुकान खोलते हैं, तो ज़्यादातर दुकानें बंद है आज हमारी मार्केट में, लेकिन हमारी कोई भी छुट्टी नहीं होती। तो दोस्तों शुभम आ गया, फटाफट से दुकान खोलते हैं पूरी। जय हो भोले बाबा की। और दोस्तों कलिकत्ता बिका, आज फिर इकट्ठा हो गया, इसका मतलब हमारा काम सही है। इस पे समझ नहीं आ रहा इस पे क्या टांगे, पिछली बार तो हमने ठंड के लड़कियों के लोअर टांगे हुए थे, क्या टांगे इस पे? निक्कर टांग दूं? और दोस्तों खैर आप भी अपना सजेशन दो इस पे क्या टांगा जाए। हम पंखा चलाया तो राहत मिली है, बड़ी गर्मी हो गई है। और दोस्तों ये कॉर्नर पे रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था खाने पीने का, वो आज बंद हो गया है। रीज़न ये था कि रेंट नहीं निकल पाया, कस्टमर कम थे, रेंट निकल नहीं पाया। तो यही दिक्कत है दोस्तों अपने बिजनेस में, अगर जब तक तुम्हारी अपनी दुकान है तुम सरवाइव कर लोगे, बट अगर तुम रेंट पे हो तो सरवाइव करना स्पेशली इस मार्केट में ना के बराबर है, क्योंकि इस ये नई मार्केट है और इसमें कस्टमर ना के बराबर है। हम भी इसलिए सरवाइव कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी दुकान अपनी है, अगर हमें भी रेंट देना होता है तो हो सकता है हम भी साल भर भी ना टिक पाते। तो फिलहाल जो हमारा ये ट्रायल रूम है जिसपे लिखा है उधार एक जादू है, हम देंगे और आप गायब हो जाओगे, सही बात लिखी गई है। और इसमें जितना भी सामान है हम सारा का सारा सामान बाहर रखेंगे, क्योंकि कस्टमर जब भी चेंज करने आता है उसे जगह ही नहीं मिलती, उसके हाथ पैर नहीं चलते, तो ये सामान हम बाहर रख रहे हैं। और फिलहाल हमने ये जो है सारा सामान ठंड का निकाला हुआ है, इसे हम घर पहुँचा रहे हैं और इस वाले पोर्शन की सेटिंग कर रहे हैं। ये वाला जो सामान है ना, यहाँ पे भी बहुत अनटाइडी लगता है, तो ये वाला सामान भी हम यहाँ लगाएंगे। ये जो ऊपर बॉडी वार्मर है इसे भी उतार के ना जगह बन जाएगी ऊपर की, ये इसे रखना है सामान को नहीं। इसे भी घर रख देते हैं तो ये ऊपर का पोर्शन में जगह बन जाएगी, तो ये वाला जो सामान है थोड़ा बहुत ऊपर रख देंगे। चल चले फिर रखाते सामान फटाफट से। और ये हमें कट्टा मिल गया, इसमें हम भर के सामान सारा घर पहुँचा रहे हैं। आज गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है? कुछ ज्यादा ही है, दोस्तों ऐसी गर्मी रही तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। और दोस्तों पेट्रोल खत्म है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, हमें सामान घर लेके जाना है। और पहले तो हमारा टारगेट है मेन पेट्रोल पंप पे पहुंच जाए, तो ये स्टार्ट ही नहीं होके दे रही। फिलहाल हमने सामान दुकान पे रख दिया और मैं अकेला इतनी भयानक वाली गर्मी में पेट्रोल भरवाने आ रहा हूँ, धक्के ही मारने पड़ेंगे। और दोस्तों आधे रास्ते तक मैं बुलेट खींच के ला चुका हूँ, पेट्रोल पंप थोड़ी ही दूर है, बीच में रेस्ट करने के लिए रुका हूँ और गन्ने का जूस पी रहा हूँ ताकि एनर्जी आए और फिर धड़ाधड़ सीधा पेट्रोल पंप पे मिले हम। दोस्तों हमने पेट्रोल भरवा लिया है, हुआ क्या था, आधे रास्ते में मुझे कस्टमर मिल गया था हमारी दुकान का, तो उसने बाइक पे धक्का लगाया और बोला जब भी अगली बार आऊँ तो मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना। तो पेट्रोल डालने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, लगता है किस्मत में है लौड़े प्लान लंबे चौड़े। और दुकान पे पहुंच चुके हैं, दुकान पे कस्टमर है। इतनी तो आती है कि पोते के लिए ले लें कपड़े। पोते के लिए क्यों, अपने लिए, पोती नहीं है ना, एक ही पोता है, दोनों ही पीस अच्छे हैं, तभी थोड़े थोड़े दिनों बाद नहीं ले, दोनों ही दे रहे हैं, देख लो दादू ने कहा। अभी फिलहाल कस्टमर बच्चों का सेट लेके गया है, ये निक्कर टी शर्ट वाला किसी को गिफ्ट करना था। टोटल कस्टमर जो लेके गया है वो 1450 का लेके गया है, 1530 रुपए बिल बैठ रहा था, कस्टमर ने 1450 ही दिए। दुकान पे आपसे मैंने वो लिए थे बिल्कुल 30-40 रुपए वाले सॉक्स भी आपने दिए थे मुझे, वो भी दिखा दो, वो भी दिखा दो। तुम्हारा फेवरेट येलो कलर लगाओ इसको, ब्लू ज्यादा अच्छा लग रहा है इसको। कोई नहीं, पिन्नी भी खत्म हो गई है दोस्तों हमारी। दोस्तों अभी फिलहाल हमने कस्टमर को 500 रुपए की सॉक्स बेची है, अभी कस्टमर और भी सॉक्स ले जाता बट हमें वो सॉक्स मिली नहीं, पता नहीं मम्मी ने कौन सी जगह रख दी है, कहाँ रखी है आपने वो, कौन से कोने में। हाँ सबसे बड़ा साइज दे दो भैया को, तो एक वो शॉर्ट्स में और दोस्तों कस्टमर को साइकिलिंग शॉर्ट चाहिए था, वो दूसरे कपड़े में चाहिए था, सिंथेटिक वाले कपड़े में, हमारे पे जो कपड़ा है वो है कॉटन में, डॉलर ब्रांड का। क्या अनटाइडी लग रही है, चलो करते हैं फिर मेहनत, उदास क्यों हो रही हो। दोस्तों आज मम्मी को एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके लिखा हुआ है, आपकी मॉम बहुत मेहनती है,
क्या बात, ये बात सच है? यस, बच्चों के ना निकर टी शर्ट वाले सेट लाने वाले हो रहे। निकर टी शर्ट वाले सेट? यस। तो दिल्ली से लाऊं फिर कल? दोस्तों आपके पास कोई दुकान हो आप कोई रिकमेंड कर सकते हैं हमें दुकान जहाँ से हम बच्चों के निकर टी शर्ट वाले सेट लाएं अच्छी क्वालिटी के, अगर हो आपके पास या आप किसी को जानते हो तो आप जरूर रिकमेंड करें, हम जरूर विजिट करेंगे वहाँ। और फिलहाल हमने हनुमान चालीसा लगा लिया है कस्टमर बुलाने के लिए, और तो लेट्स सी कस्टमर आते हैं या नहीं। दोस्तों कस्टमर अभी 6 बनाने लेके गए बच्चों की 360 रुपए की। किसके लिए? लड़का है? बॉय है। बॉय है। पार्टी वेयर ना? कितने साल गए? 3 को गए। ये 3 का है? हाइट छोटी नहीं? मम्मी ने पन्नी लेने भेजा है तो पन्नी मैंने खरीद लिया है। और दोस्तों फिलहाल मम्मी ने बैग लेने भेजा था क्योंकि ये ख़त्म हो गए थे, तो ये फटाफट से मैंने 10 किलो खरीदे हैं 120 रुपए के रेट पे, और ये मुझे इस दुकान से मिल गए। उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे मिलेंगे बट यहाँ से मुझे ये बैग मिल गए। दोस्तों फिलहाल जो हम कस्टमर को कपड़े डाल के देते हैं वो इस वाले बैग में डाल के देते हैं क्योंकि पन्नियाँ बहन है। फिलहाल मम्मी का कॉल आया था, टी शर्टें लानी थी जेंट्स की और वो सारी बिक चुकी है हमारी दुकान पर, तो मैं टी शर्टें लेने आया हूँ दुकान पर। और ये माल हमने ले लिया है पूरे 50,000 का बैठा है, ये सारी टी शर्ट्स हैं जेंट्स की। दोस्तों फिलहाल हम दुकान की ओर जा रहे हैं और इस रिक्शे में हमारा सामान है जितनी भी हमने टी शर्टें वगैरह ली हैं, ये लगा दो। और दोस्तों हमारा सारा माल दुकान पे आ चुका है और ये हमने माल उतार लिया और फटाफट से चेक करते हैं माल अपना। ये माल आया टोटल जो आज का माल आया है वो 43,000 का आया है। ज़्यादा ही ले आता सामान हर बार। ज़्यादा आ गया पर चीज़ें भी तो ख़त्म हो रही थी। टी शर्टें ले आया 3 टाइप की, फिर लोअर ले आया, शॉर्ट्स ले आया, सब कुछ ले आया। ठीक। और मेरे पीछे से क्या क्या बेचा आपने? एक टी शर्ट बेची है, सॉक्स बेची है, कैप बेची है। बस बस और कुछ? और कुछ। टी शर्ट कितने की बेची है? 500 की। कौन सी वाली बेच दी? 500 वाली नेट वाली। नेट वाली? नेट वाली पे तो MRP 435 है। 435 MRP है शायद, और आपने 500 की बेच दी। दोस्तों या तो मुझे गलती लग रही है या तो मम्मी को गलती लग रही है क्योंकि उस टी शर्ट पे MRP शायद 435 है और मम्मी ने 500 की बेच दी है। खैर MRP चेक करते हैं फटाफट से। यही तो है इस, देखते हैं इसकी MRP क्या है। 599। ठीक है फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मम्मी सही निकली मैं गलत निकला। और फटाफट से आपको माल दिखाते हैं जो हम आज का माल लाए हैं। और ये मैं 2 टाइप की सॉक्स लाया हूँ एंकल में, एक ये क्वालिटी लाया हूँ, ये तो चाइना इंपोर्टेड है सॉक्स, और एक ये वाली ले आया। ये वाली पहले भी थी? ये पहले भी थी ना, सारे बिक गए थे ना इसके पीस। लगा दो रेट, लगा दो फटाफट से और माल नीचे रखते जाओ, मैं और सामान लाता हूँ ठीक है बाहर से। चल तू भी गेम छोड़ दे, पबजी छोड़ दे थोड़ा। और दोस्तों ये मैंने अनबॉक्सिंग की है लोअर जो आज मैं लाया हूँ लेडीज़ के, और ये ब्रांड है स्वीट टच, नीचे से जॉगर वाले हैं। तो ये कुछ इसके कलर्स हैं, इसे मैं फ्लैट बेचूंगा 25% ऑफ पे। इसका कलर चार्ट अच्छा है, मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आया। और दोस्तों एक वैरायटी है लोअर की, मैं ये लाया हूँ, ये है ब्रांड जूम गर्ल, तो इसके भी कलर चार्ट मुझे अच्छे लगे थे। अच्छे है ना लोअर? 500 का बेचना है ये वाला लोअर। हाँ कम भी तो करवाते हैं, 500 तक दे देना ठीक है। ये तीनों पे लिख दे 550। इतना माल यहाँ आ नहीं पाएगा तो भारी लगा दो सारा माल। और मैं पॉलिथीन भी ले आया हूँ 10 किलो लेके आया हूँ बस। हाँ कौन सी वाली? एक ही साइज ले, एक ही साइज, सबसे बड़ा वाला साइज 10 किलो लिया था। यार फिर बाइक के आगे रखी नहीं जाती ना इतनी सारी। एक वो दे दे स्ट्रीट टच का है, 499 होगा उसकी MRP। देख इसी में होगा। एक 499, एक 524। दोस्तों माल टैली कर रहे हैं और सब पे रेट लगा रहे हैं। और दोस्तों ये बनियन अंडरगारमेंट्स में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, तो इसमें जो हम प्रॉफिट लेके चलते हैं वो 10 से 15 रुपए मैक्स।
साइज तो सही आया है, नॉर्मल हो जाए। दोस्तों आज काम तो बहुत बढ़िया रहा, बट बताना चाहूंगा आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, कुछ भी नहीं, पानी के सहारे था। तो ये लाइफ होती है बिजनेसमैन की। और अब भी हम फटाफट से दुकान बढ़ा रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है 10:30 ना। बाय बाय दोस्तों, दुकान पे इतनी मेहनत करने के बाद अब मम्मी खाना बना रही है हम सबके लिए, तो इसे कहते हैं हार्ड वर्किंग लेडी, हार्ड वर्किंग बिजनेस लेडी। फिलहाल खाने में बीन्स है, जो बची कुची सब्जियाँ वही खा रहे हैं, और लोबिया है, और ये चीज़ बहुत अच्छी है, फ्रूट्स वाला रहता है।